नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भूपेश बघेल ने दिया जवाब, कहा लक्ष्मी व गणेश जी के पैर पकड़कर वैतरणी पार करना चाहते हैं केजरीवाल। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में शामिल हुए दिग्गज, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालातों पर कांग्रेस नेताओं ने की चर्चा। और सुनवाई के लिए रायपुर के कोर्ट पहुंचे कालीचरण महाराज, कहा मुझे आज भी कोई अफसोस नहीं, न्याय प्रक्रिया पर भरोसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में चुनावी माहौल के बीच कह दिया है कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह केजरीवाल की पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। चुनाव आया तो केजरीवाल इस तरह की बातें करने लग गए। उन्होंने कहा कि नोट पर किसकी फोटो होनी चाहिए यह भारत सरकार तय करती है, लेकिन अभी वोट के लिए केजरीवाल ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। जहां जहां चुनाव केजरीवाल को लड़ना होता है उसके लिए भावनात्मक कार्ड केजरीवाल खेलते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केजरीवाल वोट समेटने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई कर देंगे, केजरीवाल जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। उन्होंने तो अपने कार्यालयों से गांधी जी की तस्वीर हटाई, अब लक्ष्मी और गणेश जी के पैर पकड़कर वैतरणी पार करना चाहते हैं, जनता सब समझती है। केजरीवाल जी सही मायने में एक जहां जहां उसको चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए वो एक भावनात्मक कार्ड खेलते हैं और उससे वो वोट समेटने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और भूपेश कैबिनेट के दिग्गज मंत्री सिंहदेव शामिल हुए। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में आदिवासी आरक्षण, धान खरीदी जैसे प्रदेश के बड़े सियासी मुद्दों के अलावा कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से प्रदेश कांग्रेस को दी गई कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को आपस में समन्वय रखते हुए आगामी चुनाव में उतरने की नसीहत दी है। बैठक के बाद बाहर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बैठक में सोनिया गांधी के कार्यकाल को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। आने वाले समय में हम सभी मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आगे बढ़ेंगे, इसका भी प्रस्ताव पारित हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज आज रायपुर कोर्ट में पेश हुए। रायपुर के कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे कालीचरण महाराज ने कहा कि मुझे आज भी कोई अफसोस नहीं है, आगे काली माई की इच्छा, मुझे न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है और उसका सम्मान करता हूँ। नंदी आनंद है, काली माँ की दया, क्या कहें। महात्मा गांधी जी को लेकर जो टिप्पणी हुई थी उसको लेकर कुछ बयान आप देंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई अफसोस नहीं, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं। धर्म के लिए कुछ भी, हिंदुत्व के लिए कुछ भी। लगातार आप सोशल मीडिया में सुर्खियों में भी रहे। हाँ, निरंतर धर्म कार्य जो करते रहेगा वो तो सुर्खियों में रहेगा। आज भी आप मानते हैं राष्ट्रपिता को लेकर जो आपने शब्द कहा था? जी, मैंने जो कुछ भी कहा वो सबको बोला। बता दें कि बीते दिनों रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी। इसके बाद रायपुर सहित देश के कई हिस्सों में अपराध दर्ज किया गया था। मामले में फरार कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट करने और केक काटने पर थानेदार जिम्मेदार होंगे। आईजी रतनलाल डांगी ने ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। आईजी रतनलाल डांगी ने रेंज के सभी एसपी को सोशल मीडिया में बंदूक, पिस्टल, तलवार और चाकू के साथ केक काटते हुए वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ ही अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। इस तरह की गतिविधियां सामने आने पर संबंधित थानेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आईजी रतनलाल डांगी ने कहा कि इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इससे पुलिस की नकारात्मक छवि सामने आ रही है। उन्होंने ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करने और चौक चौराहों पर खड़े होने वाले मनचले और होड़दंगियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शहर के किसी भी चौक पर भीड़ न लगे, इसका खास ध्यान रखा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।